अरे वाह, ऑटो रिक्शा भी है इधर तो, और उधर जीप भी है। एक जीप इधर खड़ी है, एक जीप उधर खड़ी है, और एक जीप उधर खड़ी है। ऑटो रिक्शा इधर खड़ा है रेस्टोरेंट के अंदर ही। कमाल है यार, थीम काफी अच्छी है रेस्टोरेंट की, मतलब एकदम जैसे शोले टाइप की मूवी है ना। मतलब जय और वीरू की बाइक ये रह गई थी, इसका फोटो लेते हैं। अभी आएगा एकदम क्लासी फोटो। सॉरी, जल्दी चढ़ जा, एक फोटो लेना तो बनता है साथ में भाई। तो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, और चलने से पहले एक बात बतानी थी आप लोगों को, हमारे साथ एक छोटा सा फ्रॉड हुआ है। तो अभी 6 बज गए हैं और भूख भी काफ़ी लग रही है, तो हम सोच रहे हैं गरम धर्म पे चलते हैं, जो धर्मेंद्र जी का ढाबा है, फेमस ढाबा यहाँ का मुरतल का, तो वहीं पे जाके डिनर करते हैं। और मुश्किल से अभी 5 घंटे पहुँच जाएंगे हम, काफ़ी आगे आ चुके हैं, अभी हाईवे पे ही हैं। तो पहले हम सोच रहे थे कि अमरीक सुखदेव चलते हैं, लेकिन अमरीक सुखदेव पे हम पहले काफ़ी बार जा चुके हैं, तो मतलब एक तरह से पक गए हैं वहाँ जाके, मतलब वही हो गया काम उनका, नाम बड़े दर्शन छोटे, पराठे वगैरह भी मतलब बहुत ही ऑर्डिनरी से हैं, नॉर्मल से, मतलब भीड़ जाता है और भीड़ बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो फिर हम सोच रहे थे कि गरम धर्म पे चलते हैं, वहाँ पे कभी गए भी नहीं और वहाँ का एंजॉय भी हो जाएगा इस बहाने। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सोरिया, नाम बड़ा दर्शन छोटा। सोरिया यहीं उतार दूंगा, बता रहा, चिल्ला मत ज्यादा, तो भरे बेचने वाले के साथ ही छोड़ दूंगा, सिर में दर्द कर दिया। ये हाल रहता है यहाँ का, हर टाइम जाम, रेस्टोरेंट थोड़ी सी आगे है और देखो कितना बुरा जाम लगा हुआ है। तो इधर है ये अमरीक सुखदेव ढाबा, और गाड़ी देखो भाई, लोगों को बाहर तक खड़ी करनी पड़ रही है, इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे नॉर्मली भी। आ गया गरम धर्म ढाबा, धर्म जी का अपना ढाबा। सोरे देख कैसे बच्चा कहाँ उठ रहा हूँ मैं, इधर को देख, इसमें सोरे को भी करवाएंगे। चलो सोरे तेरे तो मजा आ गया, देख सोरे देख कैसे कूद रहा बच्चा, हो मैं कूद क्या हो, तू भी कूद देगा, झाजो झाज भी है यहाँ पे तो, ओ सोरे का मिक्की माउस भी है, वाओ सोरे, वाओ सोरे मजा आ गया तेरा तो, क्लैपिंग कर दे, क्लैपिंग कर दे, सोरे को यहीं छोड़ देंगे। अभी लेके चलेंगे, रुक जा, कैसे रुक गया सोरे, एकदम से मना कर दिया तो इसे। खतरनाक है लड़का भी, चलो अभी चलते हैं भाई, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाते हैं पीते हैं, बस होगी ना। ओ भाई साहब, एकदम ठंड का एहसास हो गया भाई, उतरते ही जर्सी पहननी पड़ेगी। जुला दे भाई, पहले सोरे को जुला, सोरे को झाजे बिठा दिया, बहुत देर से चिल्ला रहा था, अब खुश है, चलो 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 सोरिया, पहुंच गया हमें, तेरी गया गया गया। सोरे कहाँ चला गया घूमने, ओए सोरिया मजा आ रहा है, डर रहा है सोरिया, डर रहा है भाई, डर रहा है, घबरा रहा है सोरिया। सुबह टिकट कितने का है इसका, 70 का, सही है, हाँ यही हम, यही है इधर ही हम, टेंशन मत ले, यही हम, ये डर रहा है घबरा रहा है। जाके बैठ गए गुड़ियों को लेके, जैसे डाल लेता हूँ, बहुत ठंड लग रही है, टेम्परेचर काफी डाउन हो गया। शोर ये अब ठीक लग रहा है थोड़ा, बाय बाय, उड़ जा। शुभम इसमें तो घबरा जाएगा सोरिया, इसमें तो कोई फायदा नहीं, हाँ बड़े बच्चों के लिए है वो तो। ओ भाई ओ, अभी ऊपर तक पहुंचा दिया था,
कर कैसे रहे हैं ये? ये अपने आप कैसे हो रहे हैं ऊपर नीचे? रस्सी बांध रखी होगी? हाँ रस्सी बांध रखी है। चलो सोरे को भी झुलवा दिया अभी, तो भाई अंदर चलते हैं और खाते पीते हैं भाई। अरे वाह ऑटो रिक्शा भी है इधर, तो ये देखो ऑटो रिक्शा भी है और उधर जीप भी है, एक जीप इधर खड़ी है, खतरनाक है। तो भाई एक जीप उधर खड़ी है और एक जीप उधर खड़ी है, ऑटो रिक्शा इधर खड़ा है रेस्टोरेंट के अंदर ही। कमाल है यार, थीम काफ़ी अच्छी है रेस्टोरेंट की, मतलब एकदम जैसे सोले टाइप की मूवी है ना, मतलब पुरानी मूवीज होती है उस टाइम की थीम दे रखी है पूरे रेस्टोरेंट का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर तो बिल्कुल एक अलग सेक्शन बना रखा है और बैठने के लिए। यहाँ पे ये कौन सी मूवी का पोस्टर लगा रखा है? धर्मवीर मूवी थी ना, धर्मेंद्र की धर्मवीर मूवी का पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा है, काफ़ी नेचुरल लग रहा है यहाँ पे आके ना, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। सोया अबे जीप में बैठ गया तो जीप चलाएगा, चला ले जीप को दौड़ा दे। क्या लिखा है? डू नॉट सीट ऑन द बोनेट। चलवा ले भाभी से, चलवा ले। चलो काफी सारे फोटोज वगैरह ले लिए, पता नहीं मेरी आवाज आ रही नहीं होगी, नहीं आ रही होगी क्योंकि म्यूजिक चल रहा है यहाँ पे, तो बाद में रिटर्न टाइम मिलेगा। हाँ अभी आ रहे हैं, तो अभी खाना ऑर्डर करते हैं, काफी भूख लग रही है अभी। उधर पीछे की साइड कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो वो बोल रहे थे कि इधर अलग सेगमेंट बनाया हुआ है जहाँ पे भी पब्लिक बैठ रही है, तो यहाँ पे आके बैठते हैं आराम से। ऑर्डर कर लो जल्दी जल्दी। सोरिया तके लेके कहाँ चल दिया तू? कहाँ लेके चल रहा था कि? ये देखो सोरे ने ट्रेन बना दी यहाँ तक ही होगी, इसे और कुछ काम नहीं है। क्या दिख गया सब? हम खाने तो पहुंच गए अंदर और पर्स वगैरह सब गाड़ी में ही पड़े हैं, तो पर्स उठा के लाता हूँ जल्दी से कार से। चलो ले तो लिया पर्स, चलते हैं। खाना वाना तो बिल वगैरह भी हो गया था, अभी निकलते हैं। हाँ फोटो, अच्छा ये रहेगी भाई फेमस जय और वीरू की बाइक, ये रह गई थी, इसका फोटो लेते हैं। अभी बैठे कर पूछा, बच्चे खिंच रहे ना अभी, चढ़ जल्दी चढ़ बैठ जाओ, मैं फोटो खींचता हूँ। अभी आएगा एकदम क्लासी फोटो, सॉरी जल्दी चढ़ जा। इतने सारे फोटोग्राफ्स ले लेना मेमोरी फुल हो जाएगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। चलते हैं अभी भाई, बहुत देर हो गई, पेट पूरा भर गया और थक भी काफ़ी गए अब तो। चलो भाई लेट पे लेट करे जा रहे हैं, टाइम देखो क्या हो गया, 8 बजने वाले हैं। इतनी क्लासी पेंटिंग है सनी देवल पाजी, धर्मेंद्र पाजी और बॉबी देवल पाजी की, गजब। एक फोटो लेना तो बनता है साथ में भाई। तो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और चलने से पहले एक बात बतानी थी आप लोगों को, हमारे साथ एक छोटा सा फ्रॉड हुआ है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा सा हुआ है, क्योंकि हमने सोचा था कि एक आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं सोरिया के लिए, सोरिया काफ़ी रो रहा था, तो हमने सोरिया के लिए एक आइसक्रीम मंगाई थी बटर स्कॉच, तो हमने सोचा कि नॉर्मल अमूल वाली आएगी, तो सेप भी वही थी कोन और उसके ऊपर जो स्कूप होता है बटर स्कॉच का, तो आइसक्रीम खा ली, फिर बिल बना, हम तो सोच रहे थे कि नॉर्मल आइसक्रीम होगी 30-40 रुपये वाली, तो जब बिल बना तो पता चला वो 240 की थी। ये देखो बिल ये रहा दिख रहा होगा 240, तो ये अकेला आइसक्रीम का बिल है, तो कोई फ्रेंचाइज होती है अमेरिकन यूएसए की, कोई फ्रेंचाइज नाम तो नहीं पता मुझे, तो उन्होंने मसाला लगा के दी थी, तो हम देख के सब हैरान ये क्या हो गया। तो आप लोग जब भी मतलब ऑर्डर करो ऐसी चीज़ें ना, तो रेट पूछ के किया करो, तो हमारे साथ तो हो गया अभी, तो बिल भरना पड़ा, हम सब हैरान हो गए थे देखते ही कि क्या ही ऑर्डर कर दिया भाई हमने,
तो फिर आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि गरम धर्म पे लोग आते रहते हैं और ये मतलब आइसक्रीम तो नॉर्मल सी चीज़ है, तो हमेशा रेट वगैरह पूछ के ऑर्डर करना। तो जो आइसक्रीम आई थी वो अमूल की नहीं थी, तो वो किसी अमेरिकन फ्रेंचाइजी की थी, तो इस वजह से काफ़ी महंगी थी, 240 की, वो डबल स्कूप पैसे थे, तो रेट डबल डबल हो गई, डबल क्या मतलब 8 गुना हो गए, तो झटका लगा एकदम से, 240 की एक आइसक्रीम खा ली हमने, तो कर दिया जो करना था। चलो अभी निकलते हैं, तो मैंने सोचा कि ये बात शेयर करने लायक है, तो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, और बाकी अभी निकलते हैं यहाँ से। चलो भाई चलते हैं। आठ 36 हो गए और टेम्परेचर देखो 15 आ गया भाई, काफी डाउन हो गया। तो कंडक्टर है भाई, बीच में चढ़ के बैठ गया है रे, हद है भाई तेरी भी। कंडक्टर साहब एक बड़ो को टिकट दे दो, कंडक्टर साहब एक टिकट दे दो, सुन रहा क्या तू, कंडक्टर पिटेगा क्या तू, टिकट नहीं दे रहा हमें, भूत है तू, यूं कर रहा है बे, भूत है तू, जल्दी दे दे टिकट, देर हो जाएगी हमें। तो अभी टाइम हो चुका है 9:05 और हम फाइनली बड़ोस पहुंच गए हैं, तो अभी चलते हैं, चलते हैं भाई घर पे, बहुत थके हुए हैं इस टाइम सब ना असल में सूर्य ने ज़्यादा थका दिया, इसने सिर में दर्द कर दिया आते हुए, बिल्कुल परेशानी कर दिया, झाझ 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 और कुछ नहीं बस, अब तो खैर चुप है लेकिन दुखी कर देता है इसने रास्ते में। ये अपना मुंह दिखाना है, मैं हूं चोरी आ गया तू बंदर है, अरे साला फिर शुरू हो गया, जहाज में फेंक दूं तुझे बता रहा मैं, कभी चक्कर में हो, शादी चल रही है भाई। चलो पहुंचते पहले गेट खोल दिए, क्या रह गया तो देख लेंगे, अरे डाटा केबल रह गई थी भाई, अभी खराब हो जाती भाई, पापा कार पार्क करेंगे, हम आए हैं 9:13 पे, क्या बस 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 बस, हाँ बस बस, आराम से भाई आराम से, हमला मत, हाँ आ गया मैं, आ गया बस बस, मैक हो तो गया, अरे अभी तो गया था सुबह ही, बस बस हट जा, अब मत पड़ मेरे पीछे, चल जा। हो गए कार भी पार्क, इस बार तो पूरी सर्दियाँ निकल गई और मैंने धुंध का चेहरा तक नहीं देखा था, तो जस्ट अभी अपनी एडिटिंग कंप्लीट कर रहा था मैं, और अभी रात के 3 बजे हुए, मेरे पीछे कौन था, अभी कोई था क्या यार, आवाज़ आई किसी की चलने की, तो खिड़की से बाहर देखा तो काफ़ी तगड़ी धुंध हो रही थी इस टाइम, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर चल के घूम के आते हैं और एक बार धुंध भी देख लेते हैं कैसी है, इस बार एक साल हो गया देखे हुए, इतना लेट उठता हूँ पता ही नहीं चलता धुंध होती भी है नहीं होती तो आज मौका मिला है बहुत दिनों बाद, लेकिन सर्दी बहुत है भाई, बोलने में भी अभी काफ़ी मुश्किल हो रही है, दांत ठिठुर रहे हैं भाई, ये क्या है बंदर, बंदर क्या कर रहा है इस टाइम यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा बंदर भी, ये तो खाना ढूंढ रहा है बंदर इस टाइम, या बेचारे को भूख लग रही होगी, अगर मैं घर के पास होता फिर तो कुछ खाने को भी देता इसे, चल दिया है तो ठंड नहीं लग रही इसे, दिखाई नहीं दे रहा कुछ, धुंध इतनी तेज है, पार्टिकल्स कितने उड़ रहे हैं, और भाई तगड़े वाली ठंड हो रही है सच में धुंध के साथ साथ, और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, तो मैंने सोचा कि आज कुछ रोमांचक तरीके से अपना व्लॉग एंड कर देते हैं, तो अभी ये व्लॉग कर देते हैं यहीं पे एंड, एंड आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कमेंट सेक्शन में करना कि आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा, तो जल्दी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, कोई पूरी रात बाहर रह जाए ना तो प्राण त्याग दे भाई, पूरा पैसा वसूल हो गया भाई, मज़ा आ गया बाहर घूम के। तो वो जो आइसक्रीम थी वो अमूल की नहीं थी, तो वो जो आइसक्रीम थी वो तो जो आइसक्रीम थी वो अमूल,